थैंक यू आलिया भट्ट फॉर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। नहीं तुम्हारे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मीम्स। कैसे हो बाबरो, वेलकम टू द न्यू वीडियो। पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक चलती है। जी हाँ, बड़े लोग अपने प्राइवेट पिक्चर्स कहीं भी पोस्ट कर दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। आइए देखते हैं बाहर से मजा आएगा। शुरुआत यहाँ से नहीं करते, शुरुआत थोड़ा पीछे से करते हैं। याद है जब विराट और अनुष्का की शादी हुई थी, उस समय मैं ये मिस कर गया था। आप लोगों ने आजकल बड़ी सेलिब्रिटीज की शादी में सबसे पहले देखा होगा हैशटैग, फटाक से बना दिया जाता है दोनों के नाम के आगे भी कुछ चीजों को मिला। आज है शादी चमन की चुम्मी से, चमन बेड्स चुम्मी बन गया हैशटैग चमन चू। पर मेरा दिमाग उनसे तेज चलता है, पर वो बड़े लोग हैं, उनका हैशटैग पहले चल जाता है, कोई बात नहीं। तो जब विराट और अनुष्का की शादी हुई थी तो उसका हैशटैग बनाया गया था विरुष्का। बेटा दिमाग में तो मेरे सबसे पहले एनसवीर आया था, एनसवीर भी हो सकता था, पर उन्होंने पहले बना दिया विरुष्का, बिकॉज दे हैव थॉट ऑफ इट, किसका नाम क्या क्या हो सकता है जो कि खराब होगा, तो पहले पीआर में लगाओ पैसे 1-2 करोड़ रुपए, नाम कर दो विरुष्का। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। कमिंग टू द नेक्स्ट, शादी दीपिका और रणबीर की भी शादी हुई थी, जिसका हैशटैग क्या था, डीप वी। पर इससे बेटर एक था मेरे पास, रन सॉरी प्लीज बोल लेने दो, बहुत दिनों से दबा के बैठा हुआ। लहंगा कहाँ गया? काके किसका लहंगा है? तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ये पीआर और मार्केटिंग काम करती है, कि इसके पहले कि कोई खराब वाला आ जाए, उसके पहले ये वाला लगा दो, लगा दो डीप वीर वेडिंग, डीप वीर वेडिंग, नहीं तो बैजू बावरा नाम का ये कैसा लड़ा डीप वीर वेडिंग कर देगा। बड़ा हरामी हो बेटा। गलत तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। फिर शादी हुई कैटरीना और विकी कौशल की, और उसका हैशटैग था विकट वेडिंग। विकट, और विकट क्यों थी ये? क्योंकि हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है, तो ये विकट समस्या थी कि ये शादी हो पाएगी नहीं, सो हो गई। फिर हमारे रणबीर और आलिया की शादी हुई, रणबीर आलिया वेडिंग, सिंपल बस, कोई मार्केटिंग खर्चा नहीं। पता है क्यों? बिकॉज अंदर से फटी पड़ी थी, शादी ज्यादा जरूरी है, हैशटैग बाद में देख लेंगे। 2 months later नहीं समझ में आया यार, गूगल पे अभी सबसे ज्यादा तुम क्या सर्च की हो? समझ में आ ही गया होगा। वीर ने आलिया का लिया पहले, बुरा मत मानो यार, यार फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? नहीं। तो एज पर प्रीवियस डेटा रिकॉर्ड्स आल्सो, आलिया ने फिर एक पोस्ट कर दिया जिसपे बवाल हो गया। आलिया ने एक फोटो पोस्ट कर दी जिसमें ऐसा लग रहा है, जी हाँ तथाकथित रूप पे, क्योंकि मुझे तो ये एक मीम मटेरियल नहीं लग रहा है, प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड का फोटो है जिसपे दिल बना हुआ है, जिसको देखकर दिल टूट गया हमारे तैमूर का। रन, न्यू कंपटीशन इन द मार्केट ब्रो। और बवाल को बढ़ता देखकर कि आखिर 2 महीने में हुआ तो हुआ कैसे, एक्सप्लेन करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं 8 बजे रात को आए। एकदम सरल, हर आयु वर्ग का व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार सहजता से कर सकता है, और इन्हें करने के लिए किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी जगह चाहिए। एकदम सरल है। हमारी योजना ऐसी नहीं होती, आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी, हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। मुझे अपने घर जाना है। और हाँ, नासा के रिसर्च के बाद ये भी पता चला है कि ये वाली जो ड्रेस है, इसे यूनेस्को द्वारा प्रेगनेंसी ड्रेस घोषित किया जा चुका है। What?
If you don't want surprises like this, use dotted condoms. और इतने सारे मीम को खंगालने के बाद हमें जो बेस्ट मीम मिला वो था, जी हाँ, Durex इंडिया ने पोस्ट किया है, महफिल में तेरी हम तो क्लियरली नहीं थे। नाइस वन। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। चलो आज के लिए तय रखते हैं, ज्यादा क्रिंज नहीं करेंगे। अगर हमारा स्टाइल पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट क्यों नहीं करते हो तुम लोग, देख के भाग जाते हो, और सब्सक्राइब तो कोई कर ही नहीं रहा है, देख के निकल ले रहे, ऐसे कैसे चलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, चाचा।